दोस्तों नमस्कार, एक प्रयास के एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें बांसुरी में बहुत इंटरेस्ट होता है बनाने में वगैरह वगैरह, तो मैं भी ई स्केल की बांसुरी बनाना चाहता था पर बहुत मुश्किलों से बन पाई है। थैंक यू टू मिस्टर दीपक सोनी जो वीडियो रखते हैं और वो भी फ्लूट बनाने में सब मदद करते हैं। ये जो बांसुरी बनाते वक्त मुझे कठिनाई आई, देख सकते हैं आप इसमें कि कितने प्रकार के होल मैंने इसमें बनाए हैं, कहाँ कहाँ ट्यूनिंग होल बना के रखे हैं। देखिए फाइनली वेल ट्यून 440 में जो बोला जाता है साइंटिफिक टोन है 440, और 432 ये नेचुरल स्केल होती है ऐसा मैंने सुना है, मुझे भी पता नहीं। तो ये फाइनली ई बेस नेचुरल कॉन्सर्ट फुट में मैंने बनाई है। अब ये तो थोड़ा सा इसमें क्योंकि ज़्यादा होल होने की वजह से ये फर्मा के रूप में बनी है। अब जो फाइनली मैं बनाऊंगा वो भी मैं वीडियो डालूंगा, अभी देखते हैं। ये मेरे पीछे क्रोमेटिक मीटर चलता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि ये वेल ट्यून बनी है या नहीं। देखिए दोस्तों आपने पूरे पूरे जो टोन है वो बिल्कुल सही बने हैं। ये एक फर्मा रूप में बनी है। अब ये जो मेजरमेंट्स है, ये मेजरमेंट्स को लेकर हम एक ओरिजिनल नई एक्रिलिक ट्रांसपेरेंट फ्लूट बनाएंगे ई बेस नेचुरल। इसका पूरा मेजरमेंट और साइज मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए एक प्रेस।